दो सहेलियों का एक ससुराल। शीतल क्लास में बैठी हुई अपनी सहेली मायरा से कहती है, मायरा तुम इतने अमीर घर की लड़की हो, तुम्हारे पिताजी तो एक ना एक दिन तुम्हें मुझसे दूर ले जाएंगे। यार तुम ऐसा क्यों सोचती हो? मेरे पिताजी तुमसे दूर मुझे कहीं लेकर जाएंगे? माना मेरे पिताजी थोड़े अमीर हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरे ऊपर अपनी मन मर्जी चलाएंगे। अच्छा ऐसी बात है, तुम मुझसे वादा कर कि तुम मुझसे कभी अलग नहीं होगी और ना ही तू मुझे कभी छोड़कर जाएगी। मायरा शीतल के हाथ पर हाथ रखकर उसे वादा करती है, जिसके बाद वो दोनों अपनी कक्षा खत्म करके अपने घर लौट आते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ ही समय में वो दोनों अपनी दोस्ती के साथ साथ पढ़ाई भी करती रहती हैं और बड़ी हो जाती हैं। बड़ी होने के बाद मायरा के पिता शेखर उसके लिए एक लड़का ढूंढना शुरू कर देते हैं। अरे बेटा तुम कॉलेज से आ गई, चलो अच्छी बात है, ये लो मैंने कुछ पंडितों से फोटोज मंगवाई हैं। ये लड़के अमीर घराने के हैं और बहुत पैसे वाले हैं। मैं चाहता हूं कि तुम इनमें से किसी एक लड़के को पसंद कर लो। मायरा इतने सारे लड़कों की फोटो देखने के बाद अपने पिता से कहती है, पिताजी मुझे किसी से भी कोई शादी नहीं करनी, आप मेरी बात समझते क्यों नहीं हो? मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। देखो बेटा मैं जानता हूँ कि तुम शादी क्यों नहीं करना चाहती हो। अरे तुम्हारी दोस्ती एक ना एक दिन तो खत्म होनी ही थी, और फिर इस प्रकार तो तुम दोनों हमेशा तो बिना शादी किए रह नहीं सकती। एक ना एक दिन तो तुम्हारी सहेली शीतल की भी शादी होनी ही है, लेकिन तुम तो जानती ही हो हमारा और उनका कोई मुकाबला नहीं है। बस यही तो फर्क है जिसकी वजह से मैं शादी नहीं करना चाहती। अब आप मुझे शादी के लिए और दबाव मत डालिए। ऐसा अपने पिता से कहने के बाद मायरा अपने कमरे में चली जाती है। कमरे में जाते ही वो अपनी सहेली शीतल को फोन करती है और उससे कहती है, कैसी है तू? कुछ देर पहले कॉलेज से जाते हुए तूने नहीं देखा था कि मैं कैसी हूँ? हे भगवान, लगता है आज फिर तेरे पिता ने तेरे लिए कोई लड़का ढूंढा है। हाँ हाँ, तभी तो तुझे कॉल किया है। तू तो जानती ही है मैं अपना वादा नहीं तोड़ना चाहती, तू ही बता मैं क्या करूँ। देख मायरा, उस वादे को भूल जाओ, वो तो मैंने बचपन में किया था, तब मैं नादान थी, लेकिन अब मैं बड़ी हो गई हूँ, तुझे भी अब बड़ा हो जाना चाहिए। तेरे पिताजी तेरे लिए अच्छा ही सोच रहे हैं। मैं तो कहती हूँ कि अपने पिता की बात मानकर किसी अच्छे लड़के से शादी कर ले। तभी मायरा के दिमाग में एक आइडिया आता है। नहीं यार, मैं तुझसे अलग नहीं होंगी। मैं चाहती हूँ कि हम दोनों एक ही घर में शादी करके जाएं, फिर तो हम कभी भी अलग नहीं होंगे। मायरा ऐसा कहकर फोन काट देती है, जिसके बाद वो सीधा अपने पिता के पास जाती है और उन्हें शादी के लिए हाँ कर देती है। लेकिन वो शादी के साथ साथ अपनी एक शर्त भी रखती है। देखो पिताजी, मैं चाहती हूँ कि मेरी सहेली की और मेरी शादी एक ही घर में हो, ताकि फिर हम कभी भी जुदा ना हो सके। अगर आपको मेरी ये शर्त मंजूर है तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। शेखर को ना चाहते हुए भी अपनी बेटी की बात माननी पड़ती है, जिसके बाद वो अपनी बेटी और उसकी सहेली शीतल की शादी एक बहुत ही रईस घराने में कर देता है। लेकिन इस शादी के बाद दोनों की सास कल्याणी केवल मायरा के साथ ही अच्छे से बर्ताव करती है। शीतल की गरीबी के चलते वो उसे हमेशा नजरअंदाज ही किया करती थी। अरे मायरा बहू, आज हमें बहुत बड़ी पार्टी में जाना है, यहाँ सभी अमीर लोग आएंगे, तुम अच्छे से तैयार होकर आ जाओ। ठीक है माँ जी, मैं और शीतल जल्दी से तैयार होकर आते हैं, आप बस थोड़ी देर इंतजार कीजिए। कल्याणी शीतल का नाम सुनते ही अजीब सा मुंह बना लेती है, जिसके बाद वो मायरा से कहती है, अरे नहीं मायरा बहू, वहाँ सिर्फ तुम ही चल सकती हो, तुम्हारी ये गरीब दोस्त हमारे साथ नहीं जा सकती, क्योंकि तुम जानती हो अमीरों के साथ कैसा बर्ताव करना है और उनके बीच किस तरह रहना है। अगर हम शीतल को वहाँ लेकर जाते हैं तो ये हमारी इंसल्ट करवा सकती है। माँ जी, शीतल गरीब है तो क्या हुआ, उसे भी हमारी तरह रहना सहना आता है, और मुझसे ज्यादा तहजीब उसके अंदर है, आप इस बात की चिंता मत कीजिए। ऐसा कहने के बाद मायरा शीतल का हाथ पकड़ती है और उसे अपने साथ अपने कमरे में ले आती है, जहाँ शीतल मायरा से कहती है, अरे मायरा तुम खुद चली जाओ पार्टी में, मेरा मन नहीं कर रहा, तुम जानती हो ना वहाँ तुम जैसे अमीर लोग आएंगे और मेरा उनके साथ उठना बैठना पता नहीं उन्हें अच्छा लगेगा कि नहीं। ओहो, लगता है कि किसी को माँ जी की बात का बुरा लग गया है। देखो शीतल, तुम मेरी सहेली हो और हमेशा मैंने कभी तुम्हें अपने से कम नहीं समझा,
और इस पार्टी में हम दोनों जरूर जाएंगे। मायरा ऐसा कहने के बाद खुद भी तैयार होती है और शीतल को भी अच्छे से तैयार कर देती है। वो दोनों कल्याणी के साथ पार्टी में चली जाती हैं, जहां कल्याणी केवल मायरा को ही सभी मेहमानों के साथ इंट्रोड्यूस करवाती है। इससे मिलो, ये मेरी बहू है। इसके पिता बहुत बड़े आदमी है और ये लोग बहुत ज्यादा अमीर है। अरे दहेज में भी 5 किलो सोना लेकर आई है मेरी बहू। कल्याणी मायरा की तारीफों के पुल बांधना शुरू कर देती है। ये सब शीतल को बहुत अटपटा लगता है और उससे ये सब बर्दाश्त भी नहीं हो पाता, जिसके चलते वो गुस्सा होकर चुपचाप से वापस गाड़ी में आकर बैठ जाती है। पार्टी खत्म होने के बाद मायरा भी शीतल को इधर उधर ढूंढना शुरू कर देती है। पता नहीं है शीतल कहाँ चली गई। जैसे ही उसकी नजर गाड़ी की तरफ पड़ती है, उसे शीतल गाड़ी में बैठी हुई नजर आती है। वो उसके पास जाती है। अरे तुम यहाँ बैठी हो, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही थी। क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना। माँ जी को तुम्हारे अलावा और कुछ तो दिखाई देता ही नहीं। ऊपर से जानबूझकर तुम भी मुझे यहाँ ले आई। सारी गलती तुम्हारी ही है। अरे क्या हुआ, बोलती क्यों नहीं हो। वहाँ के माहौल में मेरी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैं गाड़ी में आकर बैठ गई। चलो घर चलते हैं। उस दिन के बाद से शीतल के मन में मायरा को लेकर एक द्वेष आ जाता है, जिसके बाद वो हमेशा मायरा के बने बनाए कामों को बिगाड़ना शुरू कर देती है। जहाँ वो बचपन की बहुत अच्छी दोस्त थी, वहाँ शीतल अब मायरा की दुश्मन बन जाती है। बहुत लाडली है ना ये, आज मैं इसको सबक सिखा कर ही रहूंगी। मायरा रसोई में सबके लिए खाना बनाती है और शीतल उसके थोड़े से भी यहाँ वहाँ होने के बाद उसके सारे खाने को बर्बाद कर देती है और खाने के अंदर जमाल गोटा मिला देती है। जैसे ही सब लोग यहाँ जमाल गोटा मिलाया हुआ खाना खाएंगे तो सबको उनकी नानी याद आ जाएगी। सब कुछ शीतल के प्लान के मुताबिक होता है। जमाल गोटा मिलाने की वजह से सभी के पेट खराब हो जाते हैं, जिसके चलते कल्याणी भी मायरा से मुंह बना लेती है। जहाँ तो कल्याणी और घर के बाकी सदस्य मायरा की अमीरी के चलते उससे बहुत खुश थे, अब सभी लोग उससे बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं, जिसके चलते मायरा अपने कमरे में बैठी हुई रोते हुए खुद से कहती है, पहले ऐसा कभी नहीं होता था, आजकल तो शीतल के भी आव भाव बदल गए हैं, कहीं उसी की वजह से तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा। मायरा शीतल के ऊपर नजर रखती है, जिसके चलते उसे ये सब पता चल जाता है कि इन सब के पीछे शीतल का ही हाथ है और एक दिन वो उसे रंगे हाथ पकड़ लेती है। वाह शीतल वाह, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही ये सारे कपड़े धोकर गई थी और तुमने इन कपड़ों के ऊपर नील डाल दिया ताकि सब लोग मेरे ऊपर गुस्सा करें। अपनी सच्चाई सामने आते ही शीतल हैरान रह जाती है और वो रोते हुए मायरा से कहती है, हाँ हाँ मैंने तुम्हारे सभी काम बिगाड़े, माना कि तुम मेरी पक्की सहेली हो, लेकिन माँ जी अमीरी के चलते सिर्फ तुम्हारी ही तारीफ करती है, जिससे मुझे बहुत बुरा लगता है। शीतल क्या तुमने एक बार भी मेरी दोस्ती के बारे में नहीं सोचा, आज तुम इस घर में सिर्फ और सिर्फ मेरी ही वजह से हो। शीतल को ये सुनकर अपनी गलती का पछतावा होता है, जिसके चलते शीतल अपनी सहेली मायरा से माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो शीतल, मैंने ये सब तो सोचा ही नहीं, मैं तो तुम्हारी दोस्ती के भी लायक नहीं हूँ। मायरा शीतल को गले से लगा लेती है और कहती है, शीतल तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो शायद मैं भी बिल्कुल ऐसा ही करती। मायरा शीतल को माफ कर देती है, जिसके बाद वो दोनों सहेलियाँ एक साथ बहुत खुश रहती हैं। ये सब देखकर कल्याणी को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो उनकी खुशी के लिए उनके साथ भेदभाव करना छोड़ देती है, जिसके बाद अब वो सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं।